अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, बहुत सक्षम का आप सभी का स्वागत है। आज का दिन आतंकवादियों और घुसपैठियों पर कहर बनकर गिरा है। जहां दिल्ली में आईएसआईएस का एक आतंकवादी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। धौला कुआं के पास ये मुठभेड़ हुई है। अबू यूसुफ नाम के आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये खूंखार आतंकवादी दिल्ली में हमलों की योजना बना रहा था और इसके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। इसका एक साथी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये जो दिल्ली में आतंकवादी पकड़ा गया है, ये उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का रहने वाला है। दिल्ली में कई इलाकों की रेकी कर चुका था। इसके निशाने पर कौन कौन लोग थे या कौन से स्थान थे, इसके बारे में पुलिस पूछताछ करेगी। और पुलिस को जो खुफिया सूचना मिली थी उसके आधार पर यह ऑपरेशन चलाया गया धौला कुआं के पास, और इसको मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। विस्तृत आपको बताएंगे कि क्या है पूरा मामला। दूसरी खबर में आपको दिखाएंगे कि पंजाब में बीएसएफ ने तड़के 5 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया, और वो जो प्रयास कर रहे थे भारत में घुसकर यहां पर आतंक फैलाने की या उनकी जो भी योजनाएं थी वो सब की सब धरी रह गई। घुसते के साथ ही इन 5 को उड़ा दिया गया। फिलहाल पहले बात करते हैं दिल्ली की। जानकारी के मुताबिक आईएसआईएस के आतंकवादियों ने दिल्ली में लोन वुल्फ अटैक का प्लान बनाया था। इनके निशाने पर दिल्ली की कोई बड़ी शख्सियत थी। ये दिल्ली में बड़ा आतंकवादी हमला करने की योजना बना रहे थे। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली है कि दिल्ली में कुछ लोग इस आतंकवादी को संसाधन भी उपलब्ध करा रहे थे। पुलिस इनकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के रहने वाले अबू यूसुफ का एक और साथी उसकी योजना में शामिल था, लेकिन फिलहाल वह फरार है। दिल्ली पुलिस फरार आतंकवादी की तलाश में भी जुटी है। बता दें कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि धौला कुआं में आतंकवादी छिपे हुए हैं, जिसके बाद देर रात पुलिस ने इलाके में ऑपरेशन शुरू कर दिया था। दिल्ली के धौला कुआं स्थित रिज रोड एरिया में बुद्ध जयंती पार्क के पास भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के DCP प्रमोद कुशवाहा ने बताया, दोनों ओर से फायरिंग के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। उस वक्त वह अकेला ही था और उसने दिल्ली में हमले की साजिश रची थी। उसके कब्जे से पिस्टल और 2 IED बरामद हुई हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक एक टीम बलरामपुर में रेड कर रही है। अबू यूसुफ के साथ एक और आतंकवादी था जो फरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस के मुताबिक दिल्ली के कुछ लोग अबू यूसुफ को संसाधन मुहैया करा रहे थे, उनकी धरपकड़ के लिए भी छापेमारी की जा रही है। उधर पंजाब से भी एक बड़ी खबर आ रही है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF ने भारत पाकिस्तान सीमा पर 5 घुसपैठियों को मार गिराया है। पंजाब के तरन तारण में 5 पाकिस्तानी सरहद पार करने की कोशिश कर रहे थे, तभी BSF की 47 बटालियन ने 5 को मार गिराया। अभी जांच की जा रही है कि यह घुसपैठिए पाकिस्तानी आतंकवादी हैं या स्मगलर, लेकिन जैसा कि रिपोर्टें आ रही हैं इनको घुसपैठिया करार दिया गया है। BSF के एक अधिकारी ने बताया कि जवानों ने भारत पाकिस्तान सीमा के करीब डल सीमा चौकी पर संदिग्ध गतिविधियां देखी, जिसके बाद उन्होंने तड़के करीब 4:45 बजे गोलियां चलाई, जिसमें 5 घुसपैठिए मारे गए। उधर दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में पकड़े गए आतंकवादी से पूछताछ जारी है और उसने कहां कहां की रेकी की थी, इसके बारे में भी उससे पूछताछ की जा रही है। कई सारे अन्य सवाल हैं पुलिस की तरफ से, हालांकि अभी कोई ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है क्योंकि मामला अभी शुरुआती पूछताछ ही हुई है। अदालत में उसको पेश किया जाएगा, देखना होगा कि इसको रिमांड न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। पुलिस वैसे हिरासत में उसको अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ करने की मांग करेगी, देखना होगा अदालत क्या फैसला करती है।